क्या आप भी CBSE बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया अपडेट, ताकि आपको फेक न्यूज और अफवाहों से बचा सके। चलिए जानते हैं कि रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है और किन बातों का आपका ध्यान रखना चाहिए। CBSE बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बाद अब छात्रों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। झारखंड में JSE और ICSE बोर्ड ने पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन CBSE बोर्ड का रिजल्ट अभी आना बाकी है। इसी बीच रिजल्ट की फेक डेट को लेकर कई अफवाहें फैल रही है। कई फेक वेबसाइट अलग अलग तारीखों दिखा रही है, जिससे छात्रों में भ्रम की स्थिति बन रही है। गोडा के एक कंप्यूटर कैफे के संचालक अनंत कुमार साहब बताते हैं कि उनके कैफे में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे फेक वेबसाइट्स की तारीख देखकर रिजल्ट की जानकारी लेने आते हैं और मायूस होकर लौटते हैं। वास्तव में CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर अब तक रिजल्ट की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है। बहुत सारा अफवाह उठ रहा था कि आज आएगा, कल आएगा, मई के फर्स्ट वीक में आएगा, सेकेंड वीक में आएगा। इसको देखते हुए CBSE ने नोटिफिकेशन जारी करके बोला है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर कि CBSE का रिजल्ट क्लास 10th और 12th का 20 मई के बाद ही आने वाला है, उससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा। तो कृपया आप लोग 20 मई तक इंतजार करें, उसके बाद अपना रिजल्ट चेक करें, रिजल्ट आ जाएगा। CBSE ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 20 मई 2024 के बाद ही घोषित किया जाएगा। आप भी CBSE के अधिकृत वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। लोकल 18 गोड़ा से आदित्य आनंद की रिपोर्ट।